गिरिडीह तक में आपका स्वागत है। चलिए आज की खबर की ओर। क्रीड़ा भारती के द्वारा आज दिनांक 29 अगस्त 2022 को मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के अवसर पर एक मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसमें बड़ा चौक से लेकर स्टेडियम तक दौड़ लगाई गई और साथ ही साथ अग्निवीर फिजिकल अकादमी के 40 बच्चों ने भाग लिया और अपना वर्चस्व दिखाया। क्रीड़ा भारती गिरिडीह द्वारा आज मेजर ध्यानचंद जी का ये पे खुशी पे हम लोग यहाँ पे एक गेम कराया गया, जिसमें से हम अपने टीम अग्निवीर फिजिकल एकेडमी के द्वारा मैं अपने टीम को ये सारे सारे बच्चे को लेकर आए हैं। और आज का दौड़ बहुत सुंदर रहा, बड़ा चौक से स्टेडियम तक आया। 15 लड़का लोग का ये सिलेक्शन हुआ है आगे। एक देर नहीं है। आज 29 तारीख 2022 को क्रीड़ा भारती के द्वारा मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन के शुभ अवसर पर यहाँ पे एक गेम करवाया गया बड़ा चौक से स्टेडियम तक। उसमें अग्निवीर फिजिकल एकेडमी का टीम ये है और ये भाग लिया और इन्होंने काफ़ी सारा फर्स्ट सेकंड थर्ड का मेडल लाया और 5-6 स्टूडेंट है मेरा जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जूनियर में आया। स्टूडेंट से आप पूछ लिए कुछ। जी हाँ, आज हम लोग बड़ा चौक से स्टेडियम के लिए दौड़ लगाए थे, जिसमें से हम लोग ने बहुत सारे फिजिकल एकेडमी से आए थे, जिसमें ने हम लोग बहुत सारा क्वालिफाई किए, बहुत सारा लड़का जूनियर बॉयज से भी क्वालिफाई किया और बहुत अच्छा लगा। स्पोर्ट के आज क्रीड़ा भारती द्वारा मैराथन दौड़ बड़ा चौक से गिरिडीह स्टेडियम का दौड़ हुआ, जिसमें सभी छात्र छात्राएं भाग लिया और मैं क्रीड़ा भारती जितने भी कार्यकर्ता हैं मैं उनको धन्यवाद देता हूं, जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमें सहयोग किया। आज मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है, मैं उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूं, शुभकामना देता हूं। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में आज क्रीड़ा भारती द्वारा एक मैराथन का आयोजन किया गया, जो बड़ा चौक से प्रारंभ होकर स्टेडियम में आके समाप्त हुई, जिसमें विभिन्न क्लबों के बच्चों ने, लगभग 100 बच्चों ने इस दौड़ में भाग लिया और उसमें से 1 से 15 तक स्थान लाने वाले खिलाड़ियों को 4 सितंबर को झंडा मैदान में पुरस्कार और मेडल दिया जाएगा एवं जितने भी खिलाड़ी इसमें भाग लिए सभी को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। धन्यवाद।